वेलकम टू दी पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर थ्री क्लास सेवन फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक वी आर डिस्कसिंग द एनिमल फाइबर एंड हाउ दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स नाउ द सेकेंड एनिमल फाइबर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिल्क वी नो दैट सिल्क इज एन एनिमल फाइबर और जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से ऑप्टेन होता है द रियरिंग ऑफ सिल्क वाम फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज़ नॉन इन सेरिकल्चर मतलब कि सिल्क को पाल पोसना या फिर उसको नरिशमेंट देना उसको अच्छे से उसकी केयर करना सो दैट कि उससे हम सिल्क फाइबर निकाल सके इसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं ठीक है समझ में आया नाउ लाइव फॉर्म ऑफ सिल्क मॉथ सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच इज़ कॉल्ड कैटरपिलर ऑफ सिल्क वॉम They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. First weaves a net to hold itself, then wings its head from side to side in the form of figure of eight. During this movement of the head, the caterpillar secrete fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. Soon caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. दिस कवरिंग इज कॉल्ड कुकुल जो सिल्क फाइबर है जो फीमेल सिल्क है वो सबसे पहले एग ले करती है एग ले करने एग ले करती है जिससे कि वो लार्वा बनाती है जिसको हम कैटेपिलर या फिर सिल्क वॉर्म बोलते हैं ये जो है साइज में ग्रो करने लग जाते हैं फिर जो कैटेपिलर है वो अपने जो नेक्स्ट लाइफ हिस्ट्री का जो स्टेज है उसमें एंटर करता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा इस पीपा वाले स्टेज में वो एक नेट बनाती है जाली बनाती है अपने चारों तरफ जाली बनाने के बाद क्या करती है कि वो थोड़े विंग साइडवर्ड अपवर्ड विंग स्विंग करती है जिसको कि हम जो कि इन द फिगर ऑफ एट होता है ठीक है उसके बाद इस मूवमेंट के बाद जो कैटरपिलर है इस पर्टिकुलर स्टेज में एक प्रोटीन सिक्रिएट करती है जो कि एयर में एक्सपोज होने के बाद मतलब जब वो एयर में चली जाती है तो वो जो प्रोटीन है वो हार्ड हो जाती है इसी को हम सिल्क इसी से सिल्क फाइबर बनता है ठीक है बाद में ये जो कैटेपिलर है अपने चारों तरफ एक अपने चार अपने आप को कवर कर लेती है सिल्क फाइबर से और इस और प्यूपा बन जाता है इसी हार्ड कवरिंग को हम कुकून बोलते हैं द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इन टू कंटिन्यूस इनसाइड दी कोकून फिर बाद में जो भी प्यूपा का ग्रोथ होता है वो इसी कोकून के अंदर होता है सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ होता है ठीक है द सिल्क यान इज ऑप्टेंड फ्राम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ तो ये जो सिल्क यान है ये हमें सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है क्योंकि मैंने बताया कि कोकून के स्टेज में क्या होता है कि प्रोटीन सिक्रिएट होता है और ये प्रोटीन अगर एयर के उसमें आ जाता है कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये हार्ड हो जाता है ठीक है

द मोस्ट कॉमन सिल्क मौथ वो है मलबेरी सिल्क मौथ ये सिल्क मौथ का नाम है मतलब सिल्क वॉम के जो मौत का जो स्टेज है उसका नाम है एंड सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकून ऑफ दिस मॉथ इज़ वेरी सॉफ्ट लस्ट्रस इलास्टिक इन कैन बी डायर इंड ब्यूटिफुल कलर्स सो ये इस मौत से जो सिल्क बनता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है लश्ट्रस होता है लस्ट्रस मतलब उसमें शाइनी अपेयरेंस होता है चमकता है वो और इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी होती है और इसको हम कलर्स में इसको हम डाई कर सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट okay. um, हम पढ़ते हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क कोकून से सिल्क कैसे बनता है फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रेयर्ड एंड देर कुकूम्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स फर्स्ट स्टेप इज रेयरिंग सिल्कॉम से बैलेंगे सिल्कॉम को रेयरिंग करना फिमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एक्स एट अ टाइम Eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. Eggs are warmed to a suitable temperature for uh, the larva to hatch from eggs. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larva, called caterpillars or silkworm, eat day and night and increase enormously in size. The larvae are kept in clean bamboo trays um Along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars also stop eating and move into a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. Small rags or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside, which develops the silk moth. Processing silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fiber the cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam the silk fibers separate out the process of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling the silk reeling is done in special machines which unwind the thread or fibers of silk from the cocoon Silk silkworms are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by the weavers so from silk from cocoon to silk jo मौत होते हैं वो बहुत ज़्यादा या हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज़ करते हैं इन एग्स को बैम्बू में रखा जाता है विथ मलबेरी लीव्स मलबेरी लीव्स के साथ रखा जाता है और ये मलबेरी लीव्स को खाते हैं मलबेरी को खाने के बाद ये साइज़ में ग्रो करने लग जाते हैं जितना ये मलबेरी लीव्स खाते हैं ये ग्रो करते हैं जब एक ऐसा टाइम आता है जब ये मलबेरी लीव्स खाना बंद कर देते हैं और ये बैम्बू के एक ऐसे पार्ट में जाके अटैच हो जाते हैं वहाँ पे ये कोकून बनाना शुरू करते हैं उसके बाद ये कैटरपिलर इलेवन के कोकून बनाते हैं उसके बाद इस कोकून को क्या करते हैं इस कोकून से हम सिल्क फाइबर ऑप्टेन करते हैं कोकून को सन के अंदर रख देते हैं या फिर इसको बॉइल कर देते हैं या फिर इसको भाप दे देते हैं एक्सपोज टू स्टीम मतलब स्टीम का मतलब होता है भाप ठीक है तो भाप दे देते हैं सिल्क फाइबर जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है इस प्रोसेस को जिसमें कि हम थ्रेड को अलग कर रहे हैं कोकून से फॉर यूज़ एज सिल्क इज़ नोन एज रीलिंग द सिल्क या फिर रीलिंग बोलते हैं इसको सिंपल ठीक है रीलिंग जो है वो स्पेशल मशीन में किया जाता है या फिर जिसमें कि थ्रेड ऑफ द जो सिल्क के जो धागे होते हैं फाइबर होते है, हैं उसको तो अलग किया जाता है फ्रॉम कोकून ठीक है विद चैप्टर इज़ ओवर द चैप्टर वॉज शॉर्ट वन की वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं की वर्ड डिस्कस करने से पहले मैं असाइनमेंट दे देती हूँ असाइमेंट ये ये कीवर्ड की कीवर्ड सारे और ये क्वेश्चन आंसर्स ठीक है पार्ट टू का असाइमेंट यही है तो पहला की वर्ड कोकून कुकून हम लिखेंगे वो स्टेज जिसमें कि ये एक प्रोटीन से करने लग जाता है जो कि हार्ड हो जाता है इन द ड्यू टू एक्सपोजर टू द एयर उसको हम गूगुल बोलते हैं नेक्स्ट स्कोरिंग स्कोरिंग हम लिखेंगे कि द प्रोसेस जिसमें कि वॉश किया जाता है या रिमूव किया जाता है डस्ट को या फिर इन सब पार्टिकल्स को सिल्क मौत ये भी स्टेज है ये उसमें मिलेगा स्टेज है ये सारे ठीक uh, है सिल्क मौत भी एक स्टेज सिल्क मौत भी स्टेज है नेक्स्ट है फ्लीस फ्लीस द हेयर ठीक है

शेयरिंग का भी पता है सॉर्टिंग का भी पता है ठीक है नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स आंसर द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल इट्स द हेयर व्हाट इज मेन बाय व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प मतलब वाइट हेयर ऑफ द लैम्प ठीक है लैम्प मतलब शीप का शीप के बच्चों को लैम्प बोलते हैं सिल्क इज क्या कैटरपिलर लार्वा चूज द करेक्ट ऑप्शन सिल्क व जो है आई थिंक नीदर ए या नॉर्थ बी होगा क्योंकि कैटपिलर um, या लार्वा ये इसका स्टेज है सिल्क वम इज यू नो कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म ओके ये, ये भी बताती हूँ अभी विच आर द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल इट्स वूल वट इज मेन बाय द फॉलोइंग टर्म्स डियरिंग शेयरिंग सेल्चर यह सब हमें पता है स्टेप्स लेटनेस शेयरिंग उसके बाद आएगा स्कोरिंग सॉटिंग शॉटिंग के बाद आएगा उसमें से वो हटाना क्या बोलते उसको बर्स हटाना ठीक है रिमूविंग बर्स उसके बाद उसको डाई करना फिर उसको सेपरेट करना नेक्स्ट मेक स्केचेज ऑफ द टू स्टेज ऑफ द लाइफ इज सिल्क मौत विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क तो इसमें डायग्राम बनाएंगे ये वाला ओके वेट सी सिल्क वम इज मौ शायद मौत है तो इसमें मौत मौत तो दिए नहीं दारवा ओके आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन सेरीकल्चर दूसरा ओके ओ फिर द मोरिकल्चर होगा बिकॉज साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरीज मोरसेल्वा ठीक है ओके एर्थ मैच द फॉलोइंग स्कोरिंग क्लीनिंग क्लियर स्किन मलबेरी लीव्स फूड ऑफ सिल्कॉम क्योंकि सिलकॉम मलबेरी लीव्स खाते हैं सॉरी याक वूल ही एनिमल कुकून ईल सिल्क फाइबर्स ठीक है गिवन बिलो क्रॉसवर्ड पजल ठीक है तो ये सब आप कर लेना अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना विद दिस द सेकेंड पार्ट इज ऑल ओवर एंड दैप्टर इज ऑल सो ओवर थैंक यू